वेलकम टू माय चैनल सिनेमा एक्सप्लेन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस की रियल लाइफ हस्बैंड के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इनके रियल लाइफ हस्बैंड कौन हैं और कैसे दिखते हैं? अगर नहीं जानते तो वीडियो को आखिर तक देखें। बात करते हैं काजल अग्रवाल की। इनके पति का नाम है गौतम किचलू और इनसे इनकी शादी हुई थी साल 2003 में। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ईशा कोप्पिकर के पति का नाम है टिमी नारंग। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं और इनकी शादी हुई थी साल 2009 में। सोनाली बेंद्रे के पति का नाम है गोल्डी बेल। इनसे इनकी शादी हुई थी साल 2002 में और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार नजर आते हैं। प्रणीति चोपड़ा के पति का नाम है राघव चड्ढा। इनसे इनकी शादी हुई है साल 2023 में। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। सनी लियोनी के पति का नाम है डैनियल वेबर। इनसे इनकी शादी हुई थी साल 2011 में। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। नेहा दुफिया के पति का नाम है अंगद पेवी। इनसे इनकी शादी हुई थी साल 2018 में। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। राधिका आप्टे के पति का नाम है बैंडिट टेलर, जो कि साल 2012 में इनसे शादी हुई थी। कुछ ऐसे दिखते हैं। आयशा जोलका के पति का नाम है समीर वाशी। इनसे इनकी शादी हुई थी साल 2003 में। कुछ ऐसे नजर आते हैं। अमृता राव के पति का नाम है आरजे अनमोल और कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। साल 2017 में इनकी शादी हुई थी। मंदाकिनी के पति का नाम है डॉक्टर कग्यू टीरिंगपुच ठाकुर। वह इनसे इनकी शादी हुई थी साल 1990 में। कुछ ऐसे नजर आते हैं। प्रीति जिंटा की बात की जाए तो इनके पति का नाम है गैनी कॉर्डिनोफ और इनसे शादी हुई थी 2016 में। कुछ ऐसे दिखते हैं। माधुरी दीक्षित के पति का नाम है श्रीराम माधव नैनी, जो कि 1999 में उनसे शादी हुई थी और कुछ ऐसा नजर आते हैं। नम्रता शिरोडकर और इनके पति का नाम है महेश बाबू, जो कि खुद सुपरस्टार हैं। 2005 में इनसे इनकी शादी हुई थी। करीना कपूर खान की बात की जाए तो इनके पति का नाम जानते होंगे सैफ अली खान हैं। इनसे इनकी शादी हुई थी साल 2012 में। पद्मिनी कोल्हापुरी के पति का नाम है प्रदीप शर्मा और इनसे 1986 में इनकी शादी हुई थी। शिल्पा शेट्टी की बात की जाए तो इनके पति का नाम है राज कुंद्रा और इनसे 2009 में शादी हुई थी। आयशा टाकिया, टार्जन में रोल करने वाली आयशा टाकिया के पति का नाम है फरहान आजमी और इनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी। ईशा दियोल के पति का नाम है भारत ठक्तानी, जो कि 2012 में इनसे शादी कर चुके हैं। मीनाक्षी जी के पति का नाम है हरीश मैसूर और इनसे शादी हुई थी साल 1995 में। कुछ ऐसे नजर आते हैं। मधु के पति का नाम है आनंद शाह और साल 1999 में इनसे इनकी शादी हुई थी। भूमिका चावला की बात की जाए तो इनके पति का नाम है भारत ठाकुर, साल 2007 में इनकी शादी हुई थी। कुछ ऐसे दिखते हैं। उर्मिला मातुंडकर को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इनके पति का नाम है मोहसिन अख्तर, साल 2016 में इनकी शादी हुई थी। कुछ ऐसे दिखते हैं। श्रेया सारण के पति का नाम है एंड्रियो ओशेफ, जो कि 2018 में शादी हुई थी। कुछ ऐसे दिखते हैं। जूही चावला के पति का नाम है जय मेहता, साल 1995 में जय मेहता सिंह की शादी हुई थी। सोनम कपूर की बात करें तो इनके पति का नाम है आनंद आहूजा, साल 2018 में इनसे इनकी शादी हुई थी। अनुष्का शर्मा की बात की जाए तो इनके पति को सब जानते हैं विराट कोहली, जो कि क्रिकेटर हैं। साल 2017 में अनुष्का शर्मा की शादी हुई थी। रवीना टंडन के पति का नाम है अनिल ठंडानी, जो कि साल 2004 में शादी से हुई थी। आलिया भट्ट के पति को सब जानते होंगे रणबीर कपूर से इनकी शादी हुई थी साल 2022 में। यामी गौतम
दोस्तों यामी गौतम के पति का नाम है आदित्य धार, जो कि साल 2021 में इनसे शादी कर चुकी हैं, कुछ ऐसा दिखाई देते हैं। नीलम कोठारी की शादी हुई थी साल 2011 में और इनके पति का नाम है समीर सोनी, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आसन की बात की जाए तो उनके पति का नाम है राहुल शर्मा और इनसे इनकी शादी हुई थी साल 2016 में। के बाद बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, इनके पति को भी सब जानते हैं रणवीर सिंह, सिंह की शादी हुई थी साल 2018 में। पूजा बत्रा के पति का नाम है नवाब शाह और इनसे इनकी शादी हुई थी साल 2019 में। विद्या बालन की बात की जाए तो इनके पति का नाम है सिद्धार्थ रॉय कपूर और इनसे इनकी शादी हुई थी 2012 में, कुछ ऐसे नजर आते हैं। क्यारा एडवानी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी की थी साल 2023 में, कुछ ऐसे दिखते हैं। तो आपको बॉलीवुड में से कौन सा कपल पसंद है जो आपको अच्छे लगते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।